Okay, dear students, today we are going to discuss lesson number 6 of geography, manufacturing industries. Dear students, first of all, what is manufacturing industries? Okay, see, when there is production of goods in large number, after processing them from raw material to high valuable product is known as manufacturing. आप सभी जानते हैं या do you know that? क्या आप नहीं जानते कि paper is manufactured from wood? कि आपने देखा होगा कागज, from which your notebooks and books are manufactured. ये किससे बनता है? Wood से. Sugar that is used in a domestic use is made from sugar cane. And iron and steel from iron ore. And aluminium from a, you know that, bauxite. अर्थात bauxite is the raw material of aluminium. आगे आप देखेंगे कि people employed in the, you know that there are three type economic activities, primary, secondary and tertiary. The people who are engaged in secondary activities, they convert or manufacture primary material into finished goods. Suppose the workers employed in steel factories or car or textile industries, all are part of this category. Some people are also engaged in providing services, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. अब किसी भी देश की, अर्थात द इकोनॉमिक पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर, कौन देश कितना इकोनॉमिक वे से स्ट्रोंग है, ये उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा पता चलता है. ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन, अर्थात रीढ़ की हड्डी ऑफ द डेवलपमेंट इन कॉमन सेंस एज वेल एज इन पर्टिकुलर वे. ओके, इम्पोर्टेंस फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर. जैसे आपने देखा होगा टुडे ए लॉट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. केवल ये एग्रीकल्चर को ही मॉडर्न नहीं बनाता, अपितु मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी ग्रो करेंगी उतनी ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एडजस्ट करेंगे. सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी देश से, इफ़ यू वांट टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को इरिडिकेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं और पॉवर्टी को, तो ये सबसे ज़रूरी है. इसीलिए हमारे देश में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज विच आर मैनेज्ड बाई गवर्नमेंट, एंड ज्वाइंट सेक्टर मीन्स सम इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सन्स एंड सम इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके पीछे यही फिलोसफी रही है. और ये भी कोशिश रही है कि पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर रीजन में नए के बराबर उनको निकाला जाए और इसको दूर करके इस प्रॉब्लम को और इन इंडस्ट्रीज को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में सेटअप किया जाए. सेकेंड या थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देश के ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ाती हैं, जिससे विदेश से आने वाली फॉरेन गुड्स हमारे पास आती हैं. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल, वो कंट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मींस एक ही रॉ मटेरियल को डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी है. इस प्रकार आपने देखा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हैं, उनकी प्रोग्रेस एक साथ है. जैसे आपने देखा एग्रो इंडस्ट्रीज, सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो इंडस्ट्रीज? द इंडस्ट्रीज विच गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम ए एग्रीकल्चर, वो किसको बढ़ावा देती हैं? इंडस्ट्रीज को. और इंडस्ट्रीज किसको बढ़ावा देती हैं? एग्रीकल्चर को. जैसे आपने देखा होगा शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन शुगर, सॉरी शुगर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन शुगर केन. इसी प्रकार उस इंडस्ट्री को वो शुगर केन दे रहे हैं और वो इंडस्ट्री उसके शुगर केन को यूज करके उसको ग्रोथ दे रही. इस प्रकार आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होती हैं. ओके,
दिस स्टूडेंट्स, जैसा अभी अभी आप देख रहे थे, अभी अभी आप देख रहे थे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, अर्थात देयर प्रोग्रेस इज इंटर डिपेंडेंट। अब आपने देखा होगा आज की दुनिया, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो सफिशेंट इन क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, अपितु इट शुड बी एट पार इन क्वालिटी भी होना चाहिए। इसलिए अवर इंडस्ट्रीज शुड बी इफिशियंट एंड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव। दिस हमारी इंडस्ट्रीज केवल सेल्फ सफिशियंट मटेरियल ही प्रोड्यूस ना करें, बट प्रोडक्शन हमारा एट पार इन क्वालिटी भी होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। अब आप यहाँ देखेंगे, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी ओवर द लास्ट टू डिकेड्स, पिछले दो दशकों में अर्थात पिछले 20 ईयर्स में द शेयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हैज, हमारे देश में मैनुफैक्चरिंग का जो हिस्सा है हमारी GDP में वो 27%, जबकि एग्रीकल्चर का टोटल कितना 27, उसमें से मैनुफैक्चरिंग का 27 और 10% किसका है, माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिकल एंड गैस पार्ट। इस प्रकार आपने देखा होगा यदि अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी से हम इसको कंपेयर करें तो इट इज़ ओनली 25-35% वहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ पे ओनली 17%, और ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आप देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है तो बहुत सारी बातें नोटिस में रखी जाती हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो मैन्युफैक्चरर्स आर कैप्ट इन माइंड। सर कौन कौन से वो हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल नियरली अवेलेबल है या नहीं, लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन चीप रेट्स एंड इन सफिशियंट नंबर, कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, ए लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, देन पावर, सोर्स ऑफ पावर फॉर रनिंग द मशीन्स इन इंडस्ट्री, मार्केट वेयर द प्रोडक्शन कैन बी सेल। अब आपने देखा होगा ऑल दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी अवेलेबल एट ऑल प्लेसेज, इसलिए इंडस्ट्रीज जब अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो वो देखते हैं इनमें से ज़्यादातर लोअर कॉस्ट पे जो हैं वो ठीक है, और जो नहीं है वो लोअर कॉस्ट पे क्या रेंज हो सकते हैं कि नहीं, और इन सब को देखने के बाद में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, फिर अर्बनाइजेशन मींस शहर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ के साथ चलते हैं। अब सर सिटीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ देती हैं इंडस्ट्रीज़ को, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, यू नो दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसी प्रकार लॉयर्स और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, और फाइनेंशियल एडवाइस मैनी इंडस्ट्रीज। इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जगह पे जो सुविधाएं होती हैं उनको यूज करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह आ जाती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो बेटा कोस्टल एरियाज पे सिचुएटेड थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्यों, बिकॉज द प्रोडक्शन वाज फॉर एक्सपोर्टिंग, अर्थात वो दूसरे देशों को सेल करने के लिए था, इसीलिए आपने देखा होगा ये ग्रो हुई। अब आपने देखा होगा द की डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, हम कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं उसका मेन फैक्टर क्या होता है कि कैसे सेटअप करें, ऐसी जगह सेटअप करें जहाँ पे लिस्ट प्रोडक्शन हो, अर्थात लिस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रॉपर हो, और साथ के साथ लेबर वगैरह है वो हमें प्रॉपर अवेलेबल हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, हेयर यू वुड फाइंड आउट हाउ द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, और वी वुड डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर थिंग्स देखी जाती हैं। पहला, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर NTSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली पूछे जाते हैं, जैसे क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड मीन्स द इंडस्ट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, इसका रॉ मटेरियल कॉटन, वुलन टेक्सटाइल,
इसका रॉ मटेरियल वूल फ्रॉम शिप्स, जूट इंडस्ट्री जिससे बोरियां रस्सियां बनती है, सिल्क इंडस्ट्री, रपड़िया, सुगर टी, कॉफी। अब जनरली ये पूछा जाता आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और द वट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज वेहर मेटल्स आर यूज्ड एंड मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। देन अकॉर्डिंग टू द मेन रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, फर्स्ट की इंडस्ट्रीज, दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट्स फिनिश्ड गुड्स आर द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन, द इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन इज फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर्स, लाइक द सुगर, लाइक द पेस्ट, टूथपेस्ट, लाइक द पेपर इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, अदर थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अदर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, अब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस यूनिट पे कितना हुआ है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देर आर फोर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फर्स्ट वन इज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज द सिस्टम इज मैनेज्ड बाई द गवर्नमेंट, लाइक द भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लाइक द सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, अर्थात द इंडस्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज विच आर मैनेज्ड बाई द प्राइवेट ओनर्स या ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट पर्सन्स, लाइक द टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो, डाबर लिमिटेड, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, अर्थात ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाई द स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एंड एज वेल एज प्राइवेट पर्सन्स, लाइक द ऑयल इंडिया लिमिटेड ए कंपनी। एंड नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव सेक्टर, इन द कोऑपरेटिव सेक्टर ऑल द प्रोड्यूसर्स आर द ओनर, हेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर एग्जाम्पल सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कोयर इंडस्ट्री मीन्स नारियल के छिलके से बनने वाला मटीरियल केरला में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल का वेट कितना है और वो कितना यूज होता है, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसका जो रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिशिंग गुड्स बोथ आर वेरी हैवी, लाइट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज दैट्स रॉ मटेरियल इज लाइट इन वेट एंड दैट्स फिनिश्ड गुड्स आर आल्सो लाइट इन वेट। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, सुगर एंड एडिबल ऑयल, दीज आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड दैट। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज वेरी यूनिक पोजिशन इन इंडियन इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% इससे आता है, हमारे देश में 35 मिलियन अर्थात 3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जो कि एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा दौड़ देती है, 24.6% बेटा जीडीपी का हिस्सा, फॉरन एक्सचेंज इससे आता है, जो कि हमारी जीडीपी का 4% है, इट इज़ ओनली द इंडस्ट्री, और हिंदुस्तान की ये अकेली इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करने में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, अब कॉटन टेक्सटाइल, इन एंशियंट इंडिया प्राचीन काल में भी कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। आपने देखा होगा कि फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन मुंबई इन 1854, जब टू वर्ल्ड वार्स हुए, फर्स्ट 1940 to 1918, सेकंड 1935 to 1945। इन युद्ध के दौरान जैसे आपने देखा होगा ये यूरोप में लड़े गए, बट इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, और आपने देखा होगा देयर वाज ए ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन क्लॉथ इन ब्रिटेन। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि हमारे यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र था, वाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियरली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो पहला यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सेकंड मार्केट है, थर्ड ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर। क्लोथ इंडस्ट्री में मॉइस्चर का बड़ा रोल होता है, कोस्टल एरियाज में नमी है तो ये धागा टूटता नहीं है,
इसी प्रकार इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट लिंक विद एग्रीकल्चर है और इनकम ऑफ फार्मर्स है। जैसे कॉटन को उसके प्लांट से पिकअप करने के लिए कॉटन बॉल प्लकिंग का काम होता है, फिर इसमें गिनिंग मीन्स जो इसमें सीड्स होते हैं उसको कॉटन से दूर करना, स्पिनिंग मीन्स थ्रेड में कन्वर्ट करना, वीविंग मीन्स कपड़े में कन्वर्ट करना, डाइंग मीन्स कलरिंग करना, डिजाइनिंग मीन्स उसके डिजाइन तैयार करना, फिर कपड़े को पैकिंग करना, फिर उसकी टेलरिंग सीविंग सब में लोग लगे होते हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा अदर इंडस्ट्रीज को भी ये बहुत काम देती है। अब आपने देखा होगा हमारे देश में स्पिनिंग का जो काम है वो सेंट्रलाइज है, मीन्स लिमिटेड एरियाज तक है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु यहाँ पे। और जो वीविंग है ये डिसेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइज होने से पर्टिकुलर क्लॉथ में डिफरेंट एरियाज की जो स्पेशलाइजेशन होता है उसको यूज किया जा सकता है। अब हमारे इंडिया में स्पिनिंग तो वर्ल्ड क्लास की है, बट हमारे यहाँ की जो वीविंग है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, इसलिए हाई क्वालिटी यार्न हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।